तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वियतनाम के एंशंट कैपिटल हुआ लू, जो कि है काफ़ी कल्चरल और आपको मिलेगी हिस्ट्री कि वियतनाम का नाम आखिर पड़ा कैसे और इसी विलेज से शुरुआत हुई थी इनके कल्चर की। सो गाइस हमने मिल ली है हिचहाइकिंग करते हुए लिफ्ट और आंटी हमें छोड़ने वाली हैं आगे मंदिर पे। वाओ दिस इज द प्लेस, आ जाओ उतर जाए यहीं। ओके कम ऑन, बाय बाय। तो ये है टेंपल, लोकल टेंपल। सो गाइस दिस एंशिएंट टाउन इज 90 किलोमीटर फार फ्रॉम हनोई, बट यू विल बी सरप्राइज दैट इट वाज द कैपिटल ऑफ वियतनाम इन 10th एंड 11th सेंचुरी। नाइस है, यहाँ के लोग काफ़ी प्यारे हैं। अभी एक लिफ्ट मिली थी, फिर से हमने लिफ्ट मांगी और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लगे, दो या तीन अटैम्प्ट में हमको फिर से लिफ्ट मिल गई है। अभी जा रहे हैं हम ब्रिज पे और ये अच्छा तरीका था पुलिस से फाइन ना मरवा के, हमने सीधा लिफ्ट ली और अंदर आ गए, विलेज एक्सप्लोर किया। विलेज कुछ ऐसा था जैसा आप देख सकते हो, बिल्कुल एंशियंट टाइप की वाइब्स हैं। यहाँ के नज़ारे जो सुंदर है ना, यहाँ जैसा भी आप स्ट्रक्चर देखोगे सब चारों साइड से उठे हुए से रहते हैं और प्रॉपर बुद्धिज़्म कल्चर पे बनाई गई हैं ये बिल्डिंग्स। बट आई गेस ये हो गई हैं बंद क्योंकि हम हो गए थोड़ा सा लेट और अज्जू ने ये देख ली थी जगह कि ये यहीं है, हमने लिफ्ट ली थी बट हम आधे में ही उतर गए। बट लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये प्लेस कल्चरल होने के साथ साथ काफ़ी फोटोजेनिक था, अगर आप इंस्टाग्रामर हो तो आप अच्छी खासी पिक्चर्स यहाँ क्लिक कर सकते हो, वाइब्स बहुत ही प्यारी थी यहाँ की। ये ईयर लिखा हुआ है 968, 968 से 2023 तक, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, पहले कौन सी कम्युनिटी रही, फिर कौन सी कम्युनिटी रही, फिर कैसे रहे लोग, फिर राजा महाराजा का टाइम आया, फिर फाइट हुई कभी और फाइनली कैसे इन्होंने अपनी कैपिटल को बचाए रखा, ये इसमें समझाया गया है। तो ये थी इस विलेज की हिस्ट्री और जो लोग नए प्लेस एक्सप्लोर करना और घूमना पसंद करते हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा इस वीडियो में, तो आप ज़रूर आएँ इस प्लेस पे। और फिर हम निकल लिए अपने हॉस्टल की ओर निनबिन सिटी में। एज यू ऑल नो दिस इज़ अ एंशंट कैपिटल, तो आप देख सकते हो सामने कितना बड़ा गेट है और पूरी एंशंट वाली वाइब्स हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया। तो गाइस मैं हूँ अभी मंडी में, सब्जी मंडी है यहाँ की, पालक धनिया वनिया सब मिल रहा है, पर इसको ये बहुत कम खाते हैं, ये खाते हैं ये कबूतर वबूतर डाल रखे हैं, कबूतर थैंक यू कबूतर वगैरह खाते हैं, टमाटर भी रखे हैं यहाँ पे, टमाटर ये सब हम सलाद में खा सकते हैं। सो गाइस ये कीड़े वीड़े खा रहे हैं लोग, हमारे काम का कुछ भी नहीं है, मच्छी वच्छी कच्ची लगा रखी है इन्होंने। एज यू कैन सी ये सांप भी खा रहे हैं, सांप मछली। अब हमारे को ये सब खाना चलता नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि हमें केले वेले मिल जाएँ। मंडी काफ़ी अच्छी है, ये देखो हमारे वहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, इनके यहाँ ये सब मिलता है, सी फूड है, टोटली सी फूड है। और ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये लोग इन सब चीज़ों को खाने के लिए। जस्ट सी दिस, सी हाउ बिग इज द फिश, कितनी बड़ी फिश खा रहे हैं ये। मैं आया तो था केले लेने पर आई डोंट थिंक मुझे कुछ मिल पाएगा इस मार्केट में, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग। यहाँ ये बतख बेच रहे हैं, कच्ची बतख बेच रहे हैं, ओह फक। सो गाइस इनको बिल्कुल तरस नहीं आता है, गर्म पानी में तल रहे हैं ये, यहाँ फिश को रखा हुआ है, यही सब खाते हैं ये गाइस, हमें कब मिलेगा कुछ खाने को, कोई सब्जी कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। क्या वो फाइबर के लिए हमने खीरे उठा लिए हैं तो हमारी फाइबर की बॉडी नीड होती रहे, मोस्टली हमारे पास है ही, तो ऐसे खाने का सॉर्टेड है हमारा। बट फिर भी स्टिल यू नो थोड़े फ्रूट्स मिल जाते सही रेट पे तो काफ़ी अच्छा हो जाता। इन्होंने जिंदा तल दिया है, जिंदा तल रखा है ये कुत्ते बिल्लियों को और ये खाते हैं कुत्ते बिल्लियाँ। ओके सो गाइस आज का दिन काफ़ी एक्टिव रहा और मैंने अभी जो आपको मार्केट दिखाया था, फिश मार्केट, नॉन वेजिटेरियन मार्केट, सब कुछ वहाँ पे था यार, बट वेजिटेरियन के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, ऑप्शन कम है क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट भी नहीं है वेजिटेरियन,
बट अभी टाइम है कॉफ़ी पीने का, तो हमने बनवाई है बढ़िया सी कॉफ़ी, सुपर कॉफ़ी है। यहाँ की कॉफ़ी कुछ इस तरह बनाते हैं, क्रीम मिल्क हमने एक्स्ट्रा में डलवाया, नहीं तो ये कॉफ़ी में सीधा क्रीम डालते हैं और क्रीम पीते हैं सीधे सीधे। अब आ गए हम अपने हॉस्टल में वापस से। अंधेरा आ रहा होगा, काफ़ी अंधेरा आ रहा होगा अभी वीडियो में। मैं अंदर जाके आपको हॉस्टल दिखाता हूँ और देखते हैं क्या पता कोई नया इंसान आया हो यहाँ। और फिर हम अपना सामान रख के कुछ समय विश्राम करके हम निकले नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। अगर आप निन मिन की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको आना होगा फोको होआलू। फोको होआलू एक जगह है जहाँ पे आपको नाइट लाइफ कुछ इस तरह से ये सजाई हुई है स्ट्रीट। अभी यहाँ हुए हैं 11:34 और हमारा दिन है वियतनाम में, पाँचवा दिन है आज। हमारा आज का दिन भी हुआ समाप्त और हमने किए बहुत सारे मज़े। बाय दिन पगोड़ा एक्सप्लोर किया और अभी जैसे आपने सिनेमैटिक शॉट देखे, ये प्लेस बिल्कुल ड्रीमी था, ऐसा लग ही नहीं रहा था यार वियतनाम है, अलग ही वाइब है। और इन्होंने जैसे भी ये बनाया है प्लेस, जो वाइब्स दी हैं, अच्छा दिन एंड हुआ। इससे बेहतर हमारा आज का दिन और आज का व्लॉग ख़त्म हो नहीं सकता था। सो यही है यार वियतनाम, और यही प्लेसेस आई रिकमेंड कि आप आओ तो ये एक्सप्लोर करो, सस्ते में एक्सप्लोर करो। यहाँ पे 250 रुपये में अगर हॉस्टल है तो होटल आपको 700 रुपये तक मिल जाएंगे, तो ज़रूर आओ निन बिन। तो ज़िंदगी के सफ़र की एक और शाम हुई ख़त्म और हम चले अपने हॉस्टल की ओर वापस। तो अब मिलेंगे हम नए व्लॉग में, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई को आगे बढ़ाओ और बढ़िया व्लॉग आएंगे अपने चैनल पर।